अपने केबिन में खड़ी वानी को घबराया हुआ देखकर एसआर मनी मन उसकी हालत पर हंसते हुए बोला, बाहर तो कैसे खूंखार शेरनी बनी पीछे पीछे घूम रही थी, और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी है। अब देखो मैं कैसे तुमसे अपना बदला लेता हूँ, मिस खूंखार शेरनी। वही वानी मनी मन सोच रही थी, ये क्या कर दिया वानी तूने, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कोई चोर और न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन फिर भी ये जॉब मुझे दे रहा है, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेने वाला ना। तभी एसआर बोला, मिस वानी तो भी आप मुझे बाहर क्या क्या बोल रही थी, चोर एंड ऑल। ये सुनकर वानी भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ के बॉस हैं, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर एसआर अकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगी, किस दलवाले से पाला पड़ा था तुम्हारा, जाओ और अपना पेपर वर्क कंप्लीट करो जल्दी से, अब से ये जॉब तुम्हारा है और कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो, और उम्मीद है तुम अपना काम अच्छे से करोगी। ये कहते हुए एसआर के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। तभी वानी जल्दी से बोली, नो 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 सर, मैं आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर एसआर वानी की तरफ देखते हुए अपने फ्लर्टी अंदाज में बोला, और मैं भी तुमको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। ये सुनकर वानी बोली, हैं? तुमने कुछ कहा? आई मीन आपने? ये सुनकर एसआर अपनी टोन चेंज करते हुए बोला, अब नहीं, कुछ भी तो नहीं, शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है, चलो जाओ और अपना पेपर वर्क कंप्लीट करो, मुझे काम में बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। ओके सर। ये कहते हुए जैसे ही वानी वहां से जाने के लिए मुड़ी, एसआर बड़ी ही अकड़ के साथ वानी से बोला, हे वेट, आई थिंक मेरी कोई अमानत आपके पास है मिस वानी। वानी ने नासमझी के साथ एसआर से कहा, सॉरी मैं समझी नहीं सर, आप किस अमानत की बात कर रहे हैं? तभी एसआर उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, वही जिसे आपने अपना बताकर मुझसे छीन लिया था। उसकी बात सुनकर वानी तुरंत अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालते हुए बोली, ओह सॉरी सर, ये लीजिए आपका ब्रेसलेट, मुझे लगा ये मेरा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में, मैंने आपको चिंदी, चोर, कुत्ता, कमीना, घटिया इंसान। बस बस, मुझे पता है तुमसे गलतफहमी हो गई थी, बार बार ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तो बस मेरा वो खानदानी ब्रेसलेट वापस करो। एग्जैक्टली सर, आप कितने अच्छे हैं जो आपने मुझे माफ कर दिया। एसआर तुरंत ही वानी की बात बीच में ही काटते हुए बोला। ये कहते हुए वानी ने तुरंत वो ब्रेसलेट एसआर की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि इस वक्त उसका मन बिल्कुल भी वो ब्रेसलेट वापस करने का नहीं था। वो मनी मन बोली, मैं जानती हूँ ये ब्रेसलेट मेरा ही है, बट अभी मैं इस 400 रुपए के ब्रेसलेट के लिए ये जॉब नहीं खो सकती, पर देखना एक दिन मैं ये ब्रेसलेट वापस लेकर आऊंगी। तुमने कुछ कहा? एसआर ने ब्रेसलेट अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर वानी जल्दी से बोली, नहीं नहीं सर, मैं तो बस ये बोल रही थी कि आप कितने अच्छे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, एसआर एक इविल स्माइल देते हुए बोला। वानी उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं। तभी एसआर हड़बड़ाते हुए बोला, वो मेरे कहने का मतलब था कि वक्त के साथ साथ तुम्हें मेरी और भी अच्छाइयां पता चल जाएंगी, यू नो ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। वानी तुरंत बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी अच्छाइयां पता चल गई, वो ही हजम नहीं हो रही। तुमने कुछ कहा? वानी की बात सुनकर एसआर अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला। वानी तुरंत ही बात को संभालते हुए बोली, आई मीन इतने कम टाइम में इतनी सारी अच्छाइयां दिख गई आपकी, इतना कुछ होने पर भी आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे जॉब पर भी रखा, आप कितने अच्छे हैं और जाने कितनी अच्छाइयों से भरे हुए हैं। ये सुनकर एसआर खुश होते हुए बड़ी ही अकड़ के साथ बोला, हाँ ये तो है, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें अपना पेपर वर्क जल्द ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसा मौका शायद तुम्हें दोबारा ना मिले। ये सुनते ही वानी मन ही मन बड़बड़ाई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जॉब एक्सेप्ट करके मैं जानबूझकर खाई में कूद रही हूँ। तभी एसआर की आवाज उसके कानों में पड़ी, आपने क्या फिर से कुछ कहा? ये सुनकर वानी जबरदस्ती एक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, मैं तो बस पेपर वर्क करने के बारे में ही सोच रही थी। ये कहते हुए वो तुरंत ही पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए एसआर के केबिन से निकल गई। वहीं पीछे खड़े एसआर के चेहरे पर इस वक्त
एक शातिर मुस्कान थी। दूसरी तरफ आहान के केबिन में, आहान को देखते ही शार्वी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। हैरानी में उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, तुम? आई मीन आप? उसको यूं शॉकिंग रिएक्शन देते देखकर आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी उसके कानों में फिर से शार्वी की आवाज पड़ी, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर आहान तुरंत ही अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, शायद आप भूल रहे हैं, आप खुद यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं, मैं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ या फिर आप मेरा पीछा कर रही हैं? ये कहते हुए आहान ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। आहान की कोल्ड वॉइस सुनकर शार्वी खुद ही धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या कुछ भी बोल रही है शार्वी, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तेरा पीछा क्यों करेगा? तू खुद ही तो यहाँ आई है जॉब के लिए, अभी अभी तुझे सेलेक्ट किया गया है, कहीं ऐसा ना हो तेरी ये बातें सुनकर अभी रिजेक्ट भी कर दिया जाए। उसको यूं खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखकर आहान उसकी तरफ घूरते हुए बोला, आपने कुछ कहा मिस शार्वी? क्या आपको अभी लगता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? ये कहते हुए आहान उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक तो पहले ही शार्वी आहान को वहां देखकर शॉक्ड थी, ऊपर से उसके चेहरे की कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर शार्वी मन ही मन घबरा गई और अचानक ही उसको हिचकियां शुरू हो गईं। वो हिचकते हुए बोली, नहीं नहीं वो उसको ऐसे घबराते देख आहान को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो मन ही मन बोला, वैसे तो बहुत बोलती हूँ मिस कॉटन कैंडी, जल्दी से चुप होने का नाम नहीं लेती, लेकिन अब मुझे देखकर ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। लेकिन फिर वो शार्वी के पास आते हुए बोला, वो क्या मिस शार्वी? उसको अपनी तरफ बढ़ता देख शार्वी बिना मुड़े ही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, वो मुझे पता है कि आप मेरा पीछा नहीं कर रहे, ये तो बस एक कोइंसिडेंट है ना? हालांकि आहान अभी तक उसकी हालत देखकर मनी मन हंस रहा था, लेकिन उसको यूं हिचकियां लेते देख वो तुरंत ही उसके करीब आया और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसको देते हुए बोला, ए रिलैक्स, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, पहले पानी पियो आराम से। ये सुनते ही शार्वी ने तुरंत आहान के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक ही बार में खाली कर दिया, लेकिन उसकी हिचकी अभी भी बंद नहीं हुई। तभी आहान उसके और करीब आकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आई वॉन्ट टू किस यू। आहान की बात सुनकर शार्वी के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, What? वो तो उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक आहान की गहरी काली आंखों में देखे जा रही थी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे, दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी आहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, घबराइए मत, आपकी हिचकियां बंद हो चुकी हैं मिस शावी। लेकिन शावी तो अभी भी आहान के चेहरे में ही खोई हुई थी। आहान को अपने इतने करीब देखकर अचानक ही शार्वी को उस रात की याद आ गई जब वो ऐसे ही किसी अजनबी के करीब थी और उसे किस कर रही थी, और शार्वी की नजरों के सामने उस रात की वही कुछ धुंधली तस्वीरें चलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके सामने खड़ा वो शख्स वही है जो उस रात उसके साथ था, जिसे वो किस कर रही थी, जो उसके बेहद करीब था। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई शार्वी का हाथ बेख्याली में ही आहान के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, मानो वो उसे छू कर महसूस करना चाहती हो कि हाँ ये वही शख्स है या नहीं। उसे इस तरह कहीं खुद में ही खोए हुए देखकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे से अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर बुदबुदाया, मेरे ही ख्यालों में अब खोने लगी हो, लगता है धीरे धीरे तुम मेरी होने लगी हो। जैसे ही आहान की गर्म सांसें शार्वी को अपने कानों पर महसूस हुई, वो तुरंत ही होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, आहान ने शार्वी की आंखों में देखते हुए कहा। ये सुनकर शार्वी हैरान होते हुए बोली, हेल्प? कैसी हेल्प? आप तो वो किस? ये कहते हुए शार्वी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहीं सुना था अगर किसी की हिचकी बंद ना हो रही हो तो उसे कोई शॉकिंग न्यूज दे दो या फिर कोई बड़ा झूठ बोल दो, इससे उसकी हिचकी अचानक रुक जाती है। आपको इस हालत में देखा तो सोचा क्यों ना आप पर ही ट्राई किया जाए, एंड स्ट्रेंज ये वर्क भी करता है। देखिए आपकी हिचकियां बंद हो चुकी हैं मिस शार्वी, आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर शार्वी ने गौर किया कि वाकई में उसकी हिचकी बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर वो कुछ याद करते हुए बोली,
बट वो किस? ये कहकर वो चुप हो गई। वो आहान से पूछना तो चाहती थी कि क्या वो उस रात उसे ही किस कर रही थी, बट शर्म के कारण वो कुछ पूछ नहीं पाए और उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। आहान जानता था कि इस वक्त वो क्या सोच रही है, लेकिन उसने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया और एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोला, मैंने तो आपसे बस यूं ही बोला था, लेकिन आपको देखकर लगता है आपने इसे सीरियसली ले लिया है। क्या आप वाकई में मुझे किस करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो। ये कहते कहते आहान ने फिर से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ये देखकर शार्वी डर के मारे तुरंत ही पीछे हटते हुए घबराई सी टेबल से जा लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को कवर करते हुए जोर से नामे गर्दन हिला दी। ये देखकर आहान को हंसी आ गई, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ आते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर आप किस नहीं करना चाहते तो हम कुछ और कर सकते हैं। ये कहते हुए वो शार्वी के पास आकर आगे की तरफ झुकने लगा। ये देखकर तो शार्वी की सांसें ही अटक गईं। वो हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी उसने देखा कि आहान ने साइड में झुककर उसके पीछे टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाई और वापस पीछे होते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन। आपको ज्वाइनिंग से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इसमें हमारी कंपनी की सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। आप अच्छे से चेक करके इन्हें साइन कीजिए। वैसे आपने क्या सोचा था मिस शार्वी? शार्वी तो आहान को अपने इतने करीब देखकर ही हड़बड़ा रही थी और उस टाइम ना जाने उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, लेकिन जैसे उसने आहान की बातें सुनी तो तुरंत ही वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी जेब मिटाने के लिए जल्दी से उसके हाथ से फाइल लेकर बोली, मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। ये कहकर वो तुरंत ही उस फाइल पर साइन करने लगी। उसको ऐसे जल्दबाजी करते देख आहान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, आप आराम से इसे पढ़कर भी साइन कर सकते हैं। इसके मुताबिक आप 6 महीने तक ना तो ये जॉब छोड़ सकते हैं ना ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि अगले 6 महीने हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करें, और अगर इन केस आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कंपनसेशन के तौर पर एक बड़ा अमाउंट कंपनी को देना होगा। जैसे ही शार्वी ने यह सुना, पेपर पर साइन करते करते शार्वी के हाथ अचानक ही बीच में रुक गए और ये देखकर आहान के माथे पर हल्की सी सलवटें पड़ गईं। लेकिन शार्वी का पूरा ध्यान तो आहान की उस एक बात पर था, ये 6 महीने तक वो शादी नहीं कर सकती। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर वो ये जॉब करती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 6 महीनों तक शादी नहीं कर सकती। मतलब अभी मेरे पास रोहन को मना करने का एक वैलिड रीजन होगा और शादी के बारे में सोचने के लिए काफी टाइम भी। जानती हूँ दादी थोड़ा नाराज होंगी, लेकिन उन्हें मैं मना लूंगी। लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो दादी आते ही मेरी शादी करा देंगी। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो इसमें लिखा अमाउंट मैं पे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए दादी मुझे फोर्स भी नहीं कर सकती। सोच क्या रही है शार्वी, यही अच्छा मौका है, कर दे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। ये सब सोचते ही शार्वी ने तुरंत ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसको साइन करता देख आहान के चेहरे के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि एक नई शुरुआत थी शार्वी और आहान के रिश्ते की। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठे रोहन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और बोला, अब तक तो शार्वी का इंटरव्यू भी हो चुका होगा, जानता हूं उसे जॉब नहीं मिली होगी। ये कहते हुए रोहन ने अपना फोन उठाया और शार्वी का नंबर डायल कर दिया, लेकिन 2-3 बार रिंग जाने पर भी शार्वी ने फोन पिक नहीं किया। ये देखकर रोहन झुंझला उठा। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की कर क्या रही है वहां, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या ये अब तक रॉय ग्रुप्स के ऑफिस में ही है? लेकिन अब तक तो वहां इंटरव्यू हो चुके होंगे, तो फिर ये वहां क्या कर रही है? यही सब सोचते हुए उसने किसी को फोन लगाया और बोला, जल्द से जल्द पता करो कि रॉय ग्रुप्स में डिजाइनर की पोस्ट के लिए किसको हायर किया गया है और तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, ओके बॉस, हम अभी पता करते हैं। ये सुनते ही रोहन ने फोन कट कर दिया और बेसब्री से अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ, वो तुरंत कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ बोलो, कुछ पता चला? तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, हमें पता चल गया है, डिजाइनर की पोस्ट के लिए मिस शार्वी को हायर कर लिया गया है। ये सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, क्या शार्वी को? क्या तुम श्योर हो कि उस पोस्ट के लिए शार्वी को ही हायर किया गया है? जी सर, हम पूरी तरह
से श्योर है कि ये जॉब मिस शावी को ही दिया गया है। बड़ी मुश्किल से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये सुनते ही रोहन ने तुरंत ही अपना फोन जमीन पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें ये जॉब कैसे मिल सकती है शार्वी? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुमसे शादी करने के लिए? कितनों को पैसे ऑफर करके तुम्हें जॉब देने से मना कराया, लेकिन फिर से तुम्हें जॉब मिल गई। और तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, ये जॉब मिलते ही तुम जरूर मुझसे शादी करने से मना करोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरा वो खजाना हो जिसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, बाय हुक या बाय क्रुक। तभी वो कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, जाओ और कैसे भी करके मेरी मिस्टर रॉय के साथ मीटिंग फिक्स कराओ। अब मुझे किसी भी कीमत पर मिस्टर रॉय से मिलना है। एक वो ही है जो इस वक्त मेरे और मेरे मकसद के बीच में आ रहे हैं। गो एंड हरी अप। अपने बॉस को इस तरह गुस्से में चिल्लाते हुए देख वो असिस्टेंट जल्दी से बोला, जी सर, मैं मैनेज करवाता हूँ। और ये कहते हुए वो तुरंत ही उसके केबिन से बाहर निकल गया। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रेवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रेवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेवांश को। जान है।